गाइस, गोबर गैस बनाने का आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, लेकिन उसी तरीके से, उसी विधि से आप जब अपने घर पे गोबर गैस बनाते हो तो वो नहीं बनता है। अगर बन भी जाए तो वो ज्यादा देर तक नहीं जलता है, वो थोड़ा सा जलता है उसके बाद बुझ जाता है। लेकिन गाइस, आपको ये पता नहीं होता है कि आपको बड़े यूट्यूबर कैसे बेवकूफ बनाते हैं और आप बन भी जाते हैं। लेकिन गाइस, चिंता की कोई बात नहीं है, आपका भाई आपको बताने के लिए कि गोबर गैस कैसे बना जाता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं गाइस। तो गोबर गैस बनाने के लिए आपको सबसे पहले मुख्य रूप से जो मेन चीज है वो है गोबर। गोबर का जरूरत पड़ता है, आपको गोबर लेना ही लेना है, बिना गोबर का गोबर गैस नहीं बनता है। ये रहा, इसमें क्लोथिन में गोबर गैस है, और एक तो ऐसा डब्बा ले लेना है। और गोबर को मिक्स करने के लिए, थोड़ा और पतला करने के लिए पानी ले लेना है। और इस डब्बे में हम गोबर का घोल बनाएंगे, तो सबसे पहले इसमें गोबर को डालते हैं। चलिए अब इसमें हल्के हल्के पानी डालेंगे, ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए, थोड़ा गाढ़ा ही होगा तो गोबर गैस अच्छे से बनेगा। इसको अब मिक्स कर लेते हैं, इसमें और थोड़ा पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, एक ही बार नहीं डालेंगे कि ये पतला हो जाए ज्यादा। गाइस, तो देख सकते हैं कि गोबर अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब इसको मिक्स करने का जरूरत नहीं है, इतना गाढ़ा है गाइस कि इसमें देख सकते हैं इस पाइप में सटा हुआ है, ज्यादा पतला रहता तो इस पाइप में नहीं सटता। चलिए अब इस बोतल में इसको डालते हैं। और गाइस, आपको एक और काम करना है कि इस बोतल के ढक्कन में हल्का छेद कर लेना है, जितना मोटा पाइप इसमें लगाएंगे उतना ही छेद करना है। तो हम इसमें ये आईवी सेट लगाने वाले, हम ये आईवी सेट इसलिए ले रहे हैं कि आपको गैस बनेगा वो गैस दिखाने के लिए, गैस इसमें बना है वो फ्लेमेबल है या फिर नहीं। अगर आपको गोबर गैस से चूल्हा जलाना है तो आप किसी भी प्रकार का पाइप लेकर गैस को स्टोर कर सकते हो। तो हम इस आईवी सेट का यूज में लेने वाले हैं। तो आईवी सेट को हम निकाल के देख लेते हैं कितना मोटा इसका पाइप है, बिल्कुल नया है आईवी सेप। यहाँ से गाइस इसको लगाना है ढक्कन में, सोल्डरिंग आयरन से हम इसमें होल कर रहे हैं। गाइस, तो इस ढक्कन में अच्छे से होल हो चुका है, अब इसमें इस आईवी सेट को घुसा देते हैं। यहाँ से देख सकते हैं अच्छे तरह से इसमें फिट हो रहा है, अब इसको चिपका देंगे ताकि इसमें से गैस लीक ना हो यहाँ से। अब चलिए इस बोतल में हम गोबर को भर देते हैं। हम इस बोतल को काट कर यहाँ पर टिप बना दिए हैं, इसके मदद से इसमें गोबर भरेंगे। गाइस, तो देख सकते हैं कि हमने इसमें इतना सारा गोबर भर दिया है, अब इसको ऊपर का जगह इतना खाली छोड़ देंगे जिससे इसमें ऊपर गैस बने, गैस के लिए इतना जगह हम छोड़ रहे हैं, नहीं तो इसको पूरा भरा जा सकता था। इसको साइड करते हैं, अब इसको ऊपर से ढक्कन लगा देते हैं, अच्छे तरह से ढक्कन लगाएंगे टाइट करके। देख सकते हैं अभी एक बोतल पूरा ऐसे से धस रहा है, दबाने पर यह दब रहा है, जब इसमें गैस बन जाएगा तो ये बोतल पूरा टाइट हो जाएगा, दबाने पर भी ये नहीं दबाएगा। इसको क्या बोलते हैं हमको पता नहीं है, इसको पूरा नीचे कर देंगे, डाउन कर देंगे, जिससे ये पाइप पूरा जाम हो जाएगा, दब जाएगा और इसमें से गैस जो बनेगा वो बाहर नहीं निकलेगा। अब इस बोतल को हम रखने वाले हैं पूरे 5 दिनों के लिए, 5 दिन में जितना इसमें गैस बनेगा उतना हम इसको आपको सामने दिखाएंगे 5 दिनों के बाद। और यहाँ से ये बोतल नहीं गिरेगा, बिल्कुल यहीं पर रहेगा। गाइस, तो 5 दिन बाद मैं वहीं पर आ गया हूँ जहां पर मैंने बोतल में गोबर गैस बनने के लिए रखा था, गोबर मिक्स करके। तो चलिए आज हम देखें क्या सच में इसमें गोबर गैस बना है या फिर नहीं, तो चेक कर लेते हैं। अभी होगा दूध का दूध और पानी का पानी। गाइस, तो देख सकते हैं हल्का हल्का फ्लेम इसमें से निकल रहा है। यह है बिल्कुल नेचुरल और पॉल्यूशन फ्री गैस, देख सकते हैं कैसे जल रहा है, इसमें से गैस निकल रहा है। अब इसको फुल कर देते हैं। गाइस, अनबिलीवेबल, देख सकते हैं कि गोबर से भी गैस बन सकता है, और हमने कम मात्रा में बनाया, थोड़ा ही मात्रा में बनाया है इसलिए इसमें से थोड़ा थोड़ा फ्लेम निकल रहा है, ज्यादा मात्रा में हम बनाते तो ज्यादा ज्यादा इसमें से फ्लेम निकलता है। गाइस, लग रहा है कि इसमें गैस खत्म हो गया, अब देख सकते हैं अब ये नहीं जल रहा है।
बोतल उस समय से पूरा फूला हुआ था। लेकिन गाइस आप बड़े बड़े यूट्यूबर के वीडियो में देखते होंगे कि उनका एक बार में बहुत ज्यादा फिल्म निकलता है और ज्यादा देर तक फिल्म निकलते रह जाता है। गाइस अभी तक जो आपने देखा वो था नेचुरल गैस और बिना पॉल्यूशन वाला, लेकिन अब आप देखेंगे मैं इसमें मिलाने जा रहा हूँ ये चीज। ये एक चीज सभी लोग मिलाते हैं, ये है गाइस कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड। यही इसमें डालने पर एसिटिलीन गैस बनता है। ये था प्योर मीथेन गैस जो अभी मैंने आपको जला के दिखाया, और इसको डालने के बाद इसमें से निकलेगा एसिटिलीन गैस और उससे आपको लोग बेवकूफ बनाते हैं। अब इसका ढक्कन लगा देते हैं खाली से गैस। तो अब हम इसको जला कर देखते हैं इसमें गैस बन गया होगा, ये पूरा टाइट हो गया। गाइस अब आप देख सकते हो कि इसमें से गैस निकल रहा है कैसे, और इससे जो फिल्म निकल रहा है वो देख सकते हैं कितना भागा फिल्म निकल रहा है गाइस। हमको तो गाइस ये बात सोच के हंसी आ रहा है कि लोग आपको कैसे बेवकूफ बनाते हैं और आप बन जाते थे। लेकिन गाइज अब आप कहोगे कि मैंने सुना है कि गोबर गैस तो बनती है और उसके खाना भी बनती है, लेकिन गाइज मैंने कब कहा कि गोबर गैस नहीं बनती है। गोबर गैस से खाना भी बनती है और गोबर से बिजली भी बनती है, लेकिन उसका बहुत बड़ा बड़ा, इसको पहले बंद करते हैं, लेकिन उसका बहुत बड़ा बड़ा प्लांट होता है गोबर गैस प्लांट, और उसमें सालों तक गोबर को सड़ने के लिए रखा जाता है और उससे बहुत ज्यादा मात्रा में गैस प्राप्त करते हैं और उस गैस का यूज बहुत देर तक होता है। गाइस हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किस नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। तो गाइस दिवाली में छुरछुरी ऐसे उड़ाया जाता है, वही छुरछुरी जैसा लग रहा है। ओह गाइस ये देख सकते हैं खतरनाक भी हो सकता है। आप इससे दूर रहो, आप गोबर गैस बनाओ।